नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अनबॉक्सिंग बेस्ट मोबाइल चैनल में। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं पोको M4 Pro 4G। ये दो वेरिएंट में आता है, पोको M4 Pro 4G एमोलेड डिस्प्ले में, और एक वेरिएंट होता है इसका पोको M4 Pro 5G जो विदाउट एमोलेड स्क्रीन में होता है। तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे एमोलेड स्क्रीन वाला पोको M4 Pro। तो पोको M4 Pro हमने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है, और ये हमने ऑफ़र में ऑर्डर किया था, जिसमें हमें लगभग 1500 रुपये का डिस्काउंट मिला था, और ये हमें लगभग 12000 के आसपास मिला है। तो आप भी इसे फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं। अभी का जो प्राइस चल रहा है, आई थिंक 11500 के आसपास चल रहा है, तो आप अभी भी इसी छूट का लाभ उठा सकते हैं और उसको ले सकते हैं फ्लिपकार्ट से। ठीक है, तो चलिए करते हैं अनबॉक्सिंग पोको M4 Pro। तो इसको देख लेते हैं पहले, खोलने से पहले। तो ये देखिए, इस पर टैग लगा हुआ है, जैसे चारों तरफ चिप लगी हुई है। ये ऐसा बॉक्स आपको आप मिलेगा। ठीक है, तो इसकी जो प्राइस डली हुई है आप देख सकते हैं, 19999, और ये 6GB और 128GB वाला वेरिएंट है। ठीक है, मैंने 128GB और 6GB वाला वेरिएंट मैंने ऑर्डर किया था, और ये मेरे को कुल 3 दिन में मिल गया है। ओके, ये इसको चारों तरफ से हम देख सकते हैं, इधर भी इस पर चिट लगी है, और इसमें देख सकते हैं आप, ये इस पर लिखा हुआ है सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 90Hz में डिस्प्ले है, फुल HD प्लस, 64MP इसका बैक कैमरा है, फ्रंट कैमरा 16MP है, और इसमें जो प्रोसेसर मिलता है आपको MediaTek Helio G96 मिलता है। इसमें लिक्विड कूल का भी फंक्शन टेक्नोलॉजी आपको मिल जाती है, और इसमें ड्यूल स्पीकर हैं, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स मिलेंगे हाई रिजोल्यूशन ऑडियो के साथ, और आप इसमें सब कुछ पढ़ सकते हैं। LPDDR4X की आपको इसमें स्टोरेज मिल जाएगा, UFS 2.2 का, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है, और टर्बो रैम विल बेस रोम योर मेमोरी वेरियंट, और इसमें आपका जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो 8MP है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास भी आपको इसमें दिया गया है। ठीक है, IP53 रेटिंग फॉर वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन भी इसमें दिया गया है, और 33W का सबसे बेस्ट चीज़ है, इसमें फास्ट चार्जिंग मिल जाती है आपको, और 5000mAh का बैटरी मिल जाए, बैकअप मिल जाता है आपको। ठीक है, तो आप इसको मंगा सकते हैं। तो चलिए हम अब इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। ओके, चलिए हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, और ये देखिए, ये हमें सबसे ऊपर में हमारा फ़ोन मिल जाता है, और मैंने ये पीले कलर में मंगवाया था, तो ये हमारा पीले कलर का वेरिएंट है, आप देख सकते हैं। तो देखिए कितना ग्लॉसी लुक है, प्रीमियम डिज़ाइन लग रहा है पीछे से, तो 64MP लिखा है। ओके, 64MP AI ट्रिपल कैमरा लिखा है, और ये बहुत ही ग्लॉसी लुक है, और इसमें जाए देखेंगे पीछे से आप, तो ये इसमें टाइप सी जैक आपको मिल रहा है, नीचे फिंगरप्रिंट, नीचे इसमें आपको स्पीकर मिल रहा है, और एक माइक ऑप्शन मिल रहा है, और साइड में अगर आप देखेंगे तो ये सिम ट्रे मिल रही है इधर ऊपरली साइड में, ये देखिए। बाकी बीच में नॉच डिस्प्ले नहीं है इसकी, ये इसके बीच में कैमरा मिल रहा है, और ये फिंगरप्रिंट साइड है, और वॉल्यूम प्लस और माइनस बटन इसमें आपको राइट साइड में मिल रहा है, और ऊपर में आपको एक और स्पीकर मिल जाता है, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर इसमें मिल जाते हैं आपको, और 3.5mm जैक भी इसमें ऊपर ही दिया गया है, और ये इसमें रिमोट फंक्शन दिया गया है, पोको के और MI के फ़ोन में ही आपको दिया जाता है, इससे आप TV पर यूज़ कर सकते हैं रिमोट की तरह। ठीक है, ओके, तो
तो अब और कुछ देख लेते हैं इसमें और क्या क्या मिलता है। ये शायद मेरे हिसाब से कवर होगा, इसमें एक कवर मिल जाता है आपको, और ये कवर काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी सॉफ्ट है, अच्छा कवर लग रहा है मेरे को, इसको अभी रख देते हैं। और इसमें यूज़र मैनुअल मिल जाते हैं, और ये 33 वाट का चार्जर भी मिल जाता है आपको इसमें। ये देखिए 33 वाट का चार्जर है, बिग चार्जर है, ठीक है। और ये इसकी डाटा केबल मिल जाती है, तो टाइप सी। चलिए तो ये साइड में रख देते हैं, अब हम फ़ोन को चालू कर देते हैं। तो ये देख लिया हमने, फ़ोन चालू कर लिया है। फ़ोन चालू होता है तब तक हम इसके बारे में हम बता सकते हैं। तो ये देखिए हमने फ़ोन चालू कर लिया है, और फ़ोन की जो डिस्प्ले क्वालिटी लग रही है मेरे को वो बहुत बेस्ट लगी है, क्योंकि ये सुपर एमोलेड फ़ोन है, तो इसकी जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो बेस्ट है। और इसमें जो ब्राइटनेस लेवल दिया है वो भी काफ़ी अच्छा है, मैंने देखो फुल भी ब्राइटनेस नहीं की है, तब भी इसकी जो ब्राइटनेस है वो बहुत काफ़ी तेज आ रही है। तो मैं फुल ब्राइटनेस कर देता हूँ, तो